उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई है। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया है। इस दौरान ही DL.ED प्रथम वर्ष के प्रथम छात्र छात्राएं महाविद्यालय में मौजूद रहे। इसी के साथ ही कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर आरिफ राय ने सरदार की जीवनी पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि सरदार द्वारा ही देश को अखंड भारत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। उन्होंने न सिर्फ अखंड भारत की मजबूती की नींव तैयार की है बल्कि अतुल्य कार्य भी दिए हैं। बता दें कि डॉक्टर प्रोफेसर आरिफ राय की माने तो सरदार ने सभी का सहयोग लेते हुए बिना किसी को दबाव दिए देशी रियासतों का भला करने का अति महत्वपूर्ण अदा किया है। आज सरदार वल्लभ भाई जाबिर भाई पटेल जी का जन्मदिन 31 अक्टूबर है। उनके उपलक्ष्य में एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार हमने छात्रों को दौड़ प्रतियोगिता करवाई, इसके साथ एक रैली में जिनके निकाली गई और उनके विचारों को बच्चों को बताया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा, गणराज की स्थापना की और शक्तिशाली सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम है जिसके नाम से लौह अपने आप प्रदर्शित होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वह ऊर्जा है जो हमें एक होने की शक्ति देता है। हमने सारे छात्रों को समस्त प्राध्यापकों को के द्वारा ये बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए निर्देशों पर चलते हुए हम सभी को एक सुदृढ़ होकर और राष्ट्रीय एकता में सहयोग करना है और एक सुदृढ़ हमेशा रहना है। आज छात्र छात्राओं ने दौड़ प्रतियोगिता और भी अन्य खेलकूद जैसे कार्यक्रम किए गए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। बच्चों से ये कहना चाहेंगे आगे भी जो कार्यक्रम होते रहें आप महाविद्यालय में पार्टिसिपेट करें और उनसे जानकारी तथा टीचरों से भी जानकारी लें कि आगे आपको भविष्य में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों को ये प्रेरणा दी है कि जो आगे का भविष्य है, जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपने देश के बलिदान के लिए किया है, मैं ये चाहूँगी आप भी वैसा ही मार्गदर्शक करें।